शैलेंद्र चौहान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली में हिमखंड टूटने के बाद सीएम रावत ने किया हवाई निरीक्षण, कहा तुमना हादसे में 391 श्रमिक सेना व आईटीबीपी कैंपों में सुरक्षित। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, एक ही दिन में 81 लोगों की मौत, 1.5 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। सीएम तीरथ सिंह के निर्णय को हरीश रावत ने बताया बुद्धिमत्तापूर्ण, वैक्सीन लगाने के फैसले को लेकर बोले पूर्व मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में शासन ने निजी अस्पतालों के लिए तय की रेमडेसिविर की कीमत, लगाने की फीस होगी अलग। उत्तराखंड में वन बचाने को बनेगी अग्नि सुरक्षा नीति, कवायद में जुटी सरकार, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। कोविड कर्फ्यू के कारण नैनीताल जिले का प्रदूषण स्तर हुआ कम, कोविड कर्फ्यू ने पर्यावरण को संजीवनी देने का किया काम, कोरोना के दौरान राहत की खबर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कृष्णानगर में कल युवती की हत्या हुई थी, युवक ने गला रेप कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। एसपी दिहात ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। रुड़की से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। कल ही युवती की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, युवक ने गला रेत कर युवती की हत्या की थी। एसपी दिहात ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। रुड़की से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रुड़की से प्रिंस शर्मा जुड़ गए हैं। प्रिंस, और क्या ताजा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल दोपहर में युवती की उसके घर में गला रेतकर तीन युवकों द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें उसी समय आसपास के लोगों ने एक युवक को वहीं पे दबोच लिया था, जिसको पुलिस की सपोर्ट किया गया था। वहीं दो अन्य युवक जो उसके साथी थे वो फरार बताए जा रहे थे, जिसको लेकर आज गंगहर कोतवाली में एसपी देहात द्वारा खुलासा किया गया है। और बताया गया है कि कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार के चलते युवक ने युवती की हत्या की थी, युवक दबाव युवती के ऊपर बना रहा था, जिसके चलते उसने उसकी हत्या की थी, और कटर के द्वारा उसके गला रेतकर हत्या की गई थी, जिसके बाद तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रही है। जी प्रिंस, इसके अलावा और भी लोग शामिल हैं क्या, जो लोग पकड़े गए उसके अलावा? जी, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं एसपी देहात द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि तीन लोग इसमें शामिल थे। एक युवक था जो युवती से प्यार करता था, और अन्य दो उसके और साथी थे। तीनों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, और पुलिस ने पकड़कर अब न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रिंस, जो युवती के परिजन है जिसकी मौत हो गई है, वो संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, या फिर उनका और भी कुछ कहना है? जी, आपको बता दूं कि कल घटना घटने के बाद हालांकि युवती के परिजनों ने काफी आसपास के लोगों ने काफी हंगामा किया था, अस्पताल में भी काफी हंगामा हुआ था, और साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जो अन्य युवक फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, जिसको लेकर पुलिस ने अलग कई टीमें बनाई थी और अलग अलग टीमों द्वारा जो कार्रवाई की गई, और देर शाम तक दोनों ही जो युवकों को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस द्वारा, जिसके बाद युवती के परिजन भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अब तीनों को जेल भेजने की पुलिस द्वारा तैयारी की जा रही है। जी, शुक्रिया प्रिंस तमाम जानकारी के लिए। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां कल ही युवती की हत्या हुई थी और आज पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर से आपदा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। घटना के बाद से सेना, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और एनडीआरएफ सहित बीआरओ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का कार्य में जुटे हुए हैं। बताया गया कि जिस स्थान का ये घटना घटित हुई, वे जोशीमठ से 94 किलोमीटर दूर होने के साथ ही संचार व आबादी क्षेत्र से विहीन है। यहाँ पर बीआरओ की ओर से सीमा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। वहीं जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि घटना स्थल से 2 शव कल रात और 6 शव आज बरामद किए गए हैं और 6 घायलों को रेस्क्यू किया गया है।
खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ से चार देव स्थानों से लाई गई देव डोलियों ने कुंभ में गंगा स्नान किया। आपको बता दें, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में तीनों देव डोलियों को गंगा स्नान कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कर प्रतीकात्मक रूप से पूरा कार्यक्रम हुआ। गंगा स्नान में कम संख्या में लोग शामिल हुए। कोतवाली लक्सर पुलिस के निरीक्षक श्री लक्सर पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 ग्राम प्रतिबंधित स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, पुलिस ने अकोड़ा पुल पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को खंडजा गांव की तरफ से आने पर पुलिस को चेकिंग करता देख भागने लगा। तभी पुलिस ने शक होने पर घेराबंदी करते हुए पकड़ा तो व्यक्ति के पास से 5 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई। कोतवाली लक्सर पुलिस के निरीक्षक श्री मनोज कुमार और उनकी टीम के द्वारा खड़ंजे से एक व्यक्ति जुल्फिकार उर्फ बिल्लू पुत्र खलील निवासी ग्राम खड़ंजा के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक बरामद की है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पतंजलि योग पीठ की 3 संस्था पतंजलि योग पीठ, योग ग्राम और आचार्य कलम में 83 कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात कही गई थी। इसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की किसी भी संस्था में कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात को नकारा है और कहा है कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पतंजलि योग ग्राम और आचार्य कुलम में मिले हैं। जो भी पतंजलि में आ रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, यह अफवाह फैलाई जा रही है, कोरोना पतंजलि में नहीं है। पेश है खास रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि में कोरोना वायरस की एंट्री की खबरों से इनकार किया है। बता दें कि सीएमओ शंभुनाथ झा का कहना है 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का डाटा हमें मिला है, उसमें 83 कोरोना पॉजिटिव पतंजलि की 3 संस्थाओं में आए हैं, जिसमें पतंजलि में 46, योग ग्राम में 28, आचार्य कुलम में 9, इससे पहले भी कुछ कोरोना पॉजिटिव वहां मिले हैं। पतंजलि द्वारा वहां पर कोरोना की जांच की जा रही थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको आइसोलेट किया जा रहा था और उसकी पूरी जानकारी उनके द्वारा हमें दी जा रही थी और वे हमारे पोर्टल पर भी डाले जा रहे थे। इनका कहना है कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही टीम की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर या कॉन्टैक्ट ट्रेस होने पर बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच होगी। इसको लेकर हम खुद बाबा रामदेव से वार्ता करने की भी बात कही थी। तो 10 तारीख से लेके अभी 21 तारीख तक में जो अभी मैंने मंगाया है तो उसमें 83 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें पतंजलि में है 46, योग ग्राम में 28 हैं और आचार्य कुलम में 9 हैं, और इससे पहले भी 1-2 करके आते रहे हैं वहाँ पतंजलि में। नहीं, वहाँ जांच कर रहे थे, अब उनका है जांच का, तो जांच किया जा रहा था। जो लगा मैंने जब भी आया है तो उसको आइसोलेट भी किए जा रहे थे, जिसका इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने लगातार हमको दिया है और पोर्टल पर भी वो चढ़ रहे थे, तो हम लोग लगातार उससे कंसल्ट में ही हैं, तो उनके द्वारा आइसोलेशन किया जा रहा है जो भी पॉजिटिव आए हैं। अब वो कंटैक्ट ट्रेसिंग वाली टीम को अगर ऐसा लगता है कि कंटैक्ट में किसी के आए हैं वो पॉजिटिव वाले का, तो जरूर किया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि यह एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, कोरोना पतंजलि में फैल रहा है, मगर कोरोना की पॉजिटिव पतंजलि योग पीठ, योग ग्राम और आचार्य कुलम के साथ ही हमारे किसी भी शिक्षा संस्थान में नहीं मिले हैं। आचार्य कुलम में हर साल बच्चों के एडमिशन होते हैं, हर दिन 50 से ज्यादा रोगी पतंजलि योग पीठ में आते हैं और 50 से 100 रोगी योग ग्राम में आते हैं। हमारे द्वारा उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, उसमें से जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे उनको हमारे द्वारा आइसोलेट किया जा रहा है, जिनको घर भेजना था उन्हें वापस भेज दिया गया। यह एक अफवाह है कि पतंजलि में कोरोना है,
बाबा रामदेव का कहना है कि कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए हुए है। ऐसे में हम किसी को भी कोरोना टेस्ट के बिना अपनी संस्थाओं में नहीं आने दे रहे। जो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका हमारे द्वारा अपने संस्थान में आने से पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा झूठ पिछले कई दिनों से प्रायोजित तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करना का चाहता हूँ। न तो योगग्राम में, न पतंजलि योगा पीठ में, न आचार्य कुलम में, न हमारे किसी शिक्षा संस्थान में कोई कोरोना केस है। हमारे पास आचार्य कुलम में हर साल करीब 200-250 नए एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 के करीब रोगी पतंजलि योगपीठ में आते हैं। ऐसे ही 50 से 100 रोगी योगाग्राम में आते हैं। आने से पहले रोगियों का जो कोरोना टेस्ट किया जाता है अथवा आचार्य कुलम में एडमिशन से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसमें कुछ केस पॉजिटिव पाए गए, उनको हमने क्वारंटीन करके जिसको एडमिशन करना था उसका एडमिशन किया, जिसको जो है घर भेजना था उसको घर भेज दिया। ये 100% एक अफवाह है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पतंजलि योग पीठ में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने की बात को योग गुरु बाबा रामदेव ने नकारते हुए कहा कि यह झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है। मगर सवाल यही है कि पतंजलि योग पीठ में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए हैं और बाबा रामदेव इसको झूठ अफवाह फैलाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 के संबंध में सर्वदलीय बैठक पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संकट को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी ने भाग लिया। प्रमुख रूप से ये मांग की गई कि ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रत्येक हॉस्पिटल में हो, आईसीयू बेड्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों तो सबसे अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता देश में है, हॉस्पिटल तक भी पहुँचे और उनको लाने के लिए टैंक्स और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क ग्राम प्रधान सुधीर रतोड़ी ने रानी पोखरी ग्राम पंचायत में दवाई का छिड़काव किया और कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटीन होने के साथ ही कोरोना जांच कराने की अपील की। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही लोगों से मिलें और सभी लोग मास्क का उपयोग जरूर करें। उन्होंने क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया ताकि रानी पोखरी ग्राम पंचायत को पूरी तरह से कोरोना जैसी बीमारी से बचाया जा सके। कोरोना महामारी ने दूसरी लहर में भयंकर रूप ले लिया है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की सप्लाई न होने पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देहरादून में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एजेंसी से बात की तो पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आम जन भयभीत है। कोरोना संक्रमित न होने पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर घर में ले जाकर रखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लायर्स का कहना है कि देहरादून के लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, फिर भी मरीजों से खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा जा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं देहरादून के भारत ऑक्सीजन पर, जहां पर सिलेंडर की ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है वो हम जानेंगे। आप देख सकते हैं भारत ट्रेडर्स जो है उनका यहां पे प्लांट है ऑक्सीजन का, और उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की यहां पर स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, क्या लोगों का मानना है, किस तरह का जो है आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनका कहना है। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं, यहाँ के ओनर हैं। दीपक गुप्ता जी, क्या स्थिति है इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, लोगों का क्या कहना, लोग यहाँ पर? देखो जी, ये जो ऑक्सीजन की स्थिति है ना, लोगों ने अपने आप बिगाड़ दी है। जो मीडिया लेवल से और
हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी जो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, इतने घंटों का ऑक्सीजन है, उस बातों ने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि जिसको ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए, जिसके घर में कोई पेशेंट नहीं है, वो आज भी एडवांस में ऑक्सीजन ले जाके रख रहा है। आज की डेट में सवेरे 5 बजे से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, रात को 1 बजे गए हैं। स्थिति यह है कि लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, जो एक्चुअल पेशेंट है उसे अब आज की डेट में हमें ऑक्सीजन देने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि दे ही नहीं पा रहे। कोई किसी चीज़ में बर्तन तो चाहिए ना उसको देने के लिए, कहाँ से देंगे, तो सिलेंडर्स चाहिए। गवर्नमेंट से अपील है कहीं से सिलेंडर्स का इंतजाम करके दे, हम ऑक्सीजन दे देंगे। अच्छा, जो सिलेंडर्स लोग लेके जा रहे हैं वो घर में ही रख रहे हैं, दोबारा रिफिलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं? मुश्किल से 5% की रिफिलिंग आ रही थी, केवल 5% से ऊपर रिफिलिंग नहीं आ रही है। और अब तो हॉस्पिटल वाले भी अलग सा कल्चर बन गया कि पेशेंट जा रहा है तो बोल रहे ऑक्सीजन है तो हम एडमिट करेंगे, भाई जब ऑक्सीजन तुम्हारे पे पहले ही है। ऐसा कोई सा हॉस्पिटल नहीं है देहरादून में जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ये पता नहीं क्या कार्यक्रम सिस्टम चला दिया है ऑक्सीजन के हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कि ऑक्सीजन लेके आओ पहले अपनी। तो जो कितने सिलेंडर जो है आपके यहाँ से गए हुए हैं जो अभी तक वापस नहीं आए, लगभग कोई गिनती है? भाई तो गिनती तो अभी तो फिलहाल तो हिसाब ही नहीं, कुछ कोई गिनती नहीं है, कोई नाम नहीं है हमारा, तो जो आ रहा है उसको सिलेंडर दे रहे हम। हमारी 100% कोशिश है कि कोई भी ये ना कहे दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली में और कहीं लगे ऑक्सीजन की रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सीजन से लोग मर गए, कि देहरादून में कोई भी हमारा भाई बहन कोई भी ऑक्सीजन की वजह से ना मरे। आखिर क्या व्यवस्था जो है आप लोगों के द्वारा की जा रही है पैसों को लेकर, अगर पैसे नहीं है किसी के पास, कई लोग ऐसे हैं? हम फ्री ऑक्सीजन दे रहे जी, जिसको किसी के पास अगर जो पैसे नहीं है, कोई असमर्थ है ऑक्सीजन के लिए, वो सिलेंडर का इंतजाम करे, क्योंकि सिलेंडर तो पैसे वाले को भी करना है, बिना पैसे वालों को भी करना है। ऐसे नहीं कि गरीब आदमी है तो सिलेंडर का इंतजाम करना है, कोई अमीर आदमी है उसे भी सिलेंडर का इंतजाम करना है, और सेला कोई जाए हमारे प्लांट में ऑक्सीजन फ्री भरी जाएगी उसके लिए। अच्छा, एक किट भी आती है ऑक्सीजन की जो ऊपर सिलेंडर के ऊपर लगती है, उसकी क्या व्यवस्था है? वो नहीं है जी बिल्कुल भी, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है हमारे पास तो 4 दिन से नहीं है। हम बिना 4 दिन से वैसे ही बेच रहे हैं जो बाजार से ला रहे लोग, और वो किटें भी जितनी बाजार से आ रही है उसमें मैक्सिमम लीकेज की शिकायत है। हालांकि सरकार जो है, सरकार को भी व्यवस्था करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कई लोग अपनों को गवा चुके हैं, और अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो हालात बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। कैमरा पर्सन खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षणों तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार